फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर इशू हो गया है जीएसटी में इनफॉर्म डीआरसी जीरो सेवन अलोंग स्पीकिंग डिमांड ऑर्डर तो आपके पास अब क्या लीगल रेमिडीज हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी इस डिमांड को या तो जीरो करा सकते हैं या फिर उसको कम करा सकते हैं फ्रेंड्स जीएसटी में प्रोमिनेंटली थ्री मेजर रेमिडीज अवेलेबल हैं

पहला प्रोविजन है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का और दूसरा प्रोविजन है अपील फाइल करने का बिफोर दी ऑनरेबल जो ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स हैं 161 जो है वो आजकल काफी चर्चा में है जब से जिन स्टेट्स के अंदर काफी लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर शोकोज नोटिस को एडजुडिकेट किया गया है 161 की जो रेमिडी है फ्रेंड्स वो अवेलेबल होती है अगर आपके ऑर्डर के अंदर कोई

देखकर ही पता लग जाएगा कि वो एक एरर है वो एक मिस्टेक है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू तो फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स की डिमांड जो थी वो सीजीएसटी रूपीज हंड्रेड एस जी एस टी रुपीज हंड्रेड और इंटरेस्ट रुपीज फॉर एग्जाम्पल टू हंड्रेड तो टोटल आपकी डिमांड बनती है फोर हंड्रेड रुपीज लेकिन हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड ऑफिसर ने उसको लिख दिया है एट हंड्रेड क्या इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है इसमें आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं है तो इसे हम कहेंगे

मिस्टेक्स अपेरेंट नहीं है उन सब केसेस के अंदर फ्रेंड्स हमें फाइल करनी पड़ेगी अपील अंडर सेक्शन 107 ऑफ द जीएसटी एक्ट जो अपीलेट 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 हैं हैं जो अपीलेट हैं, उन अपीलेट में हमें टेन परसेंट प्री डिपोजिट करना पड़ेगा टैक्स का और उसके बाद हम अपील फाइल कर पाएंगे बिफोर द कमिश्नर अपील्स विद इन थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर आपको अपील फाइल करनी है और उसके बाद उस अपील को कमिश्नर अपील्स एडजुडिकेट करेंगे और आपकी अगर डिमांड कम होती है तो उसको कम करके उसको डिमांड को वो मिटिगेट कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ रेमिडीज अवेलेबल हैं जीएसटी एक्ट में जिनको यूटिलाइज करके हम अपने डिमांड को कम करा सकते हैं या खत्म करा सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डे थैंक यू वेरी मच